अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद कोमल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़े की है, वो है ओट्स बनाना स्मूदी। झटपट बन के तैयार हो जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ओट्स ले लिए थे, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास शुगर है। आप शुगर कम या ज़्यादा या इसकी जगह पर हनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हेल्दी बनाना है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप दूध है मेरे पास, और ये यहाँ पे 3 टेबल स्पून दही है, 2 बनाना थे जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। सबसे पहले हमने ओट्स के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के उसको सोक करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने ब्लेंडर जग लेना है और सब चीज़ों को बारी बारी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना डाल के। जब तक मैं ये चीज़ें ब्लेंडर में डाल रही हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। ये देखिए जी हमारे स्मूथ सी स्मूदी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक के तौर पर कभी भी ले सकते हैं। ये देखें जी हमारी स्मूदी बिल्कुल रेडी है। आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।